जो नारायण कवच की कथा कर रहे हैं, ये तो जो लोग जी रहे हैं, जो जीना चाहते हैं, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो कुशल मंगल रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। परंतु प्रभु, मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब ऊपर जाने के लिए कौन सा कवच है? नारायण कवच तो यहां रहने के लिए है, लेकिन अब भगवान के पास जाने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? सो इनके प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीमद्भागवत कथा का आज हम प्रारंभ करेंगे। आज से 5,500 वर्ष पूर्व अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए और लगभग 128 वर्ष तक उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की। कुछ वात्सल्य लीला, बाल लीला, कुछ गोपियों के साथ, सखाओं के साथ, कई लोगों को मारना, धर्म की स्थापना करना, बहुत कुछ किया। कृष्ण अवतार ऐसा है कि एक पल भी शांति से नहीं बैठे। बचपन से ही कभी ब्रजवासियों के घर पर चोरी करते, तो कभी गोपियों के वस्त्र चुराते, तो कभी यमुना के तट पर रासलीला करते, तो कभी मथुरा में जाकर कुबलिया पीढ़ाती, चाणूर मुष्टक या कंस का वध करते, अपनी माता के गोद में कभी अपना मस्तक रखकर सोते, वही कृष्ण सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर ज्ञान ग्रहण करते, सुदामा से मित्रता करते, तो वही कृष्ण 16,108 रानियों के साथ विवाह करते। बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण की लीला। 128 वर्ष के बाद द्वारिका में ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवता प्रकट हुए, ये कथा भागवत में है। कुछ लोग कहते ना, हम भागवत को घोल कर पी गए हैं, ये सब भागवत में है, है? तो ब्रह्मा समेत समस्त देवी देवता द्वारिका में आए और द्वारिका में आकर कृष्ण से स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, प्रभु आप हमारा कार्य करने के लिए हमारी प्रार्थना से जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, प्रभु हमने ही आपको पुकारा था, हमने आपको बुलाया था और आप आए और आपने हमारे सभी कार्यों को सिद्ध किया। लेकिन अब प्रभु, अब सारे कार्य हो चुके, धर्म की स्थापना हो गई, दुष्टों का विनाश हो गया और जितना हो सकता था आपने साधु संतों को आनंद भी दे दिया। प्रभु अब ये धरती, ये पृथ्वी आपके रहने के लायक नहीं है। प्रभु आप अपने धाम, निज धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन में वापस सिधारिए, आप अपनी नित्य लीला में वापस पहुंचिए। अब देव कार्य, हमारा कार्य संपन्न हुआ। देवताओं ने भगवान को जितना स्वागत किया ना, उतना विदाई भी, उतने अच्छे से विदाई भी की। कुछ लोग क्या है ना, स्वागत करना करना ही जानते हैं, विदाई करना नहीं जानते हैं। श्रीमद् भागवत जी में यह भी वर्णन है कि जितना अच्छा देवताओं ने कृष्ण का स्वागत किया, उतना ही अच्छा, उतनी अच्छी विदाई की। प्रभु आप सिधारिए। बहुत सुंदर भगवान की लीला, उनके गुण की महिमा देवताओं ने गई। मुझे तो प्रश्न का उत्तर देना है, फिर कभी हम विस्तार से इन प्रसंगों को सुनेंगे। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान ने उसे माना कि ठीक है, अब अपने धाम में वापस लौटना भी चाहिए। भगवान ने पूरा प्लान कर लिया। यदु कुल का विनाश हो ही चुका था, कृष्ण अकेले बचे थे और अब डिपार्ट होने ही वाले थे अपने धाम में जाने के लिए। लेकिन कृष्ण ने सोचा कि मेरे विरह में मेरा मित्र, मेरा प्रिय मित्र वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री है, कृष्णस्य दैतः सखा शिष्य बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमः,
कृष्ण ने सोचा कि मेरा प्रिय सखा, मेरा मित्र मेरे विरह में मर जाएगा, तो अपने जाने की बात कृष्ण ने उद्धव जी से बताई। एक दिन उद्धव जी को कृष्ण द्वारिका से थोड़े दूर, आज भी आप कभी मारी काठियावाड़ में कोक दी भूलो पड़ भगवान, पछी एवा करू सन्मान के तने स्वर्ग भुलाऊ शामला। कभी आप आइए गुजरात में, सौराष्ट्र में, तो ये सब आपको देखने मिले। द्वारिका से थोड़ा सा दूर है प्रभास क्षेत्र, प्रभास। तो उस प्रभास क्षेत्र में कृष्ण उद्धव जी को लेकर गए, है ना। थोड़ा सा मूड बनाना पड़ता है ना, सीधा कह देंगे कि मैं जा रहा हूं तो बेचारा हार्ट अटैक के मारे मर जाएगा, तो थोड़ा सा जोर का झटका धीरे से देने के लिए कोई अच्छा स्थान, कोई अच्छा वातावरण, मूड। कृष्ण तो इसमें एक्सपर्ट है। तो कृष्ण द्वारिका में नहीं, प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी को लेकर गए, और फिर कृष्ण धीरे धीरे अपना प्रस्ताव रखते हैं कि उद्धव देखो ना, सब कुछ ठीक हो गया और अब मेरी यहाँ पर इतनी आवश्यकता भी नहीं है। उद्धव गुजराती में बोला, कांकरा काढ़ीन बात करो महाराज, तुम्हारे छे शूँ, हम क्लियर बात करो, आप है क्या प्रॉब्लम। कृष्ण ने कहा, उद्धव अब मैं इस पृथ्वी को छोड़कर मेरे धाम वैकुंठ गोलोक में जाना चाहता हूँ, और देवता भी मुझे प्रार्थना कर चुके हैं, देवताओं की बात में मना नहीं कर सकता। उद्धव जी ने कहा, तो प्रभु आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आप तो स्वतंत्र स्वामी, आपको कौन रोक सकता है, लेकिन मेरी आपसे इतनी ही विनंती है, निवेदन है कि आप जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ में ले चलो, क्योंकि आपके विरह में आपका ये उद्धव जीवित नहीं रह पाएगा, प्रभु आपके बिना मैं जी नहीं सकता। उद्धव बहुत अच्छे मित्र थे। उद्धव ने कभी टेलर दर्जी के पास जाकर अपना कपड़ा नहीं सिलाया। उद्धव ने आज तक दुकान से अपने लिए पैंट, वो तो धोती कुर्ता पहनते थे, वो धोती कुर्ता आज तक खरीदा नहीं। भगवान कृष्ण जो कपड़े उतार देते थे, मतलब रिजेक्ट कर देते, मतलब पहनने के बाद पुराने हो जाते हैं, तो कृष्ण के वस्त्र ही उद्धव पहनते थे। और लगभग उद्धव जी कृष्ण जैसे जैसे ही दिखाई देते थे, सखा, साथ साथ खाते पीते सोते उठते बैठते। मोटा मानसो ना मित्र ही मोटा जो है ना भाई, बड़े लोगों के मित्र भी बड़े होते हैं। किसी भी आदमी की पहचान उनके मित्रों से होती है भक्तों। मित्र मैं बच्चों को कह रहा हूं, मित्र बनाने से पहले हमें यह देखना चाहिए मैं किस कुल से हूं, मेरे बाप दादा क्या हैं, कौन सी पीढ़ी में हमारा जन्म हुआ है, ये सब सोच समझ कर मित्रता होनी चाहिए। सो कृष्ण का मित्र भी बहुत महान था उद्धव जी। सो उद्धव ने कहा कि मुझे आप अपने साथ ले चलिए। कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं उद्धव, ये पूरा प्रोग्राम मैंने इसलिए किया है कि तुम्हें मैं साथ में नहीं ले जा सकता। उद्धव तुम्हें यहां रहना होगा, क्योंकि क्योंकि तुम्हें भक्ति का प्रचार करना है, धर्म का प्रचार करना है, संसार के लोगों को अपने आचरण से धर्म सिखाना है, इसलिए उद्धव तुम्हें यहां रहना। उद्धव ने कहा, प्रभु ये तो हो ही नहीं सकता, आपके बिना मैं जी नहीं सकता। तब कृष्ण ने कहा, ठीक है उद्धव, जब तुम्हें मेरा विरह सताएगा, तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी, तो मैं तुम्हें भागवत का ज्ञान देता हूं, इस भागवत को पढ़ लेना, इस भागवत का स्मरण कर लेना, भागवत को सुन लेना, मेरी कमी का एहसास नहीं होगा। और तुम्हें विश्वास नहीं है तो पद्म पुराण में वर्णन है, उद्धव जी के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण भागवत में कन्वर्ट हो गए। उद्धव जी के सामने कृष्ण ही श्रीमद् भागवत में रूपांतरित हो गए, और फिर उद्धव जी ने उस भागवत को संजो लिया। भागवत और कोई नहीं, स्वयं भगवान है। प्रश्न तो भी खड़ा ही है, आप चिंता मत करो, मुझे याद है।
हम उसके आंसर के पास पहुंच रहे हैं। फिर उद्धव जी भागवत पढ़ते गाते हैं, दूसरी ओर क्या हुआ, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लगभग 6-8 महीना बीते। तो एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा कि अर्जुन जाओ द्वारिका और कृष्ण की खबर लेकर आओ। अर्जुन द्वारिका में आते हैं और अर्जुन को यह दुखमय समाचार मिलता है कि कृष्ण तो हमें छोड़कर चले गए हैं। और उस समय अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को बोले, कृष्ण है नहीं तो अब क्या करेंगे। तो अर्जुन कृष्ण की पत्नियों को द्वारिका से वन के मार्ग से होते हुए लेकर हस्तिनापुर की ओर जा रहे हैं। आज भी यदि ट्रेन के रूट से भी आपको जाना हो ना, तो द्वारिका से आपको दिल्ली जाना है तो बीच में ब्रज आएगा, मथुरा आएगा, वाया मथुरा होकर ही जा सकते हैं ना। गुजरात से या दिल्ली जाना है तो बीच में मथुरा आएगा। और वन के मार्ग से जा रहे थे तो अर्जुन भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों को लेकर ब्रज में पहुंचे और ब्रज में गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे और वहां पर उद्धव जी विराजमान है और भगवान की पत्नियां उद्धव जी के चरणों में बैठकर उस भागवत को श्रवण करने लगी। कृष्ण के विरह में कृष्ण का जीवन प्रदान करने वाला ये भागवत है। सो उद्धव जी कृष्ण की पत्नियों को भागवत सुनाने लगे। अब जब भागवत सुनाने लगे तो वहां पर परीक्षित महाराज भी आ गए, वो भी भागवत सुनने बैठ गए। उद्धव जी ने कहा, परीक्षित तुम राजा हो, अब राजा बनने ही वाले हो, तुम एक काम करो, तुम थोड़ा ध्यान रखो कि यहां किसी का कोई युद्ध न कर ले या यहां की व्यवस्था करो। परीक्षित ने कहा, नहीं नहीं मैं कथा सुनना चाहता हूं। उद्धव जी ने कहा, देखो तुम अभी कथा मत सुनो, तुम कथा में सेवा करो, तुम्हारा सुनने का समय नहीं है। परीक्षित ने कहा, नहीं मैं सुनना चाहता हूं। उद्धव जी ने कहा कि तुम कथा की सेवा करो, जो व्यक्ति कथा की सेवा करता है उस व्यक्ति को कथा सुनाने के लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। उस व्यक्ति के मृत्यु के समय भगवान भगवत कथा की व्यवस्था करते हैं। किसके लिए? जो व्यक्ति कथा में सेवा करते, कथा में सेवा का अर्थ क्या है, कथा का आयोजन करते हैं। ये हमारे जितने भी कथा के आयोजक बैठे हैं ना, कथा आयोजन करने की महिमा सुनिए। सो परीक्षित महाराज ने पूरा आयोजन कर दिया, मंडप बना दिया, सब कुछ भोजन पानी सारी व्यवस्था परीक्षित ने की। और उस समय परीक्षित कथा नहीं सुन पाए। खैर आजकल के यजमान तो कथा सुन भी लेते हैं, आयोजन भी करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हमने देखा है जब फिजिकल कथा होती है ना, तो आयोजक बेचारा व्यवस्था में रहता है, अतिथि आए हैं, ये आए, उनका भोजन, इनका ये व्यवस्था। जो कथा का आयोजन करते हैं उसके लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। और ऐसा ही हुआ कि जब महाराज परीक्षित के मृत्यु का समय आया और केवल उनके जीवन में 7 दिन बचे थे, महाराज परीक्षित अपना घर बार सब कुछ छोड़कर चले गए। कभी आप भागवत पढ़कर देखिए, वहां पर लिखा है देव इच्छया यदिच्छया, मतलब देव योग से, ईश्वर के योग से भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को भेजा महाराज परीक्षित के पास। सुखदेव को निमंत्रण नहीं था और सुखदेव एक जगह पर 15-20 मिनट से ज्यादा बैठते भी नहीं थे, लेकिन 7 दिन तक सुखदेव बैठे और परीक्षित के पास भेजा। ये सारी व्यवस्था किसने की? स्वयं भगवान ने। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि जो व्यक्ति भागवत कथा का आयोजन करता है उनके भगवत धाम में जाने की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं।
तो इनका प्रश्न था कि हमें क्या करना चाहिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने इस कथा का आयोजन किया है और इस कथा के माध्यम से हजारों लाखों लोग अपनी भक्ति का पोषण कर रहे हैं, अपनी भक्ति को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, यही कृपा यही आशीर्वाद के रूप से भगवान मृत्यु का समय हमारा सवार देते हैं। नहीं तो ऐसा योग, महाराज परीक्षित को श्राप लगना और सुखदेव जी का आना, ये योग संभव नहीं है। ये इसीलिए क्योंकि महाराज परीक्षित ने भागवत सेवा की थी। वैसे भागवत में बहुत सारी सेवा होती है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा तो माननी ही पड़ेगी कि यजमान परिवार अपना तन मन धन अपना बहुत बड़ी एनर्जी लगाकर हजारों लोगों को एकत्रित करके इस कथा का लाभ देते हैं, बहुत बड़ी सेवा है। और जो व्यक्ति इस भागवत की सेवा भागवत की व्यवस्था करता है, उस व्यक्ति की व्यवस्था मृत्यु के समय भगवान अपने हाथों से करते हैं, भगवान स्वयं करते हैं। दूसरा प्रमाण दें, जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो ब्रह्मास्त्र माने जिसकी कोई प्रतिक्रिया हो ही नहीं सकती, उसे बंदा मरने ही वाला है, लेकिन उत्तरा भगवान के पास जाती है और भगवान उस बालक की रक्षा करते हैं। क्यों? जो आदमी खुद भजन करेगा तो भगवान उनकी रक्षा करेंगे। उत्तरा के गर्भ में रहे हुए बालक ने न तो भगवान का नाम लिया, न भगवान की सेवा की, न भगवान का दर्शन। उस गर्भ में रहने वाला बालक कर भी क्या सकता है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान ने गदा और चक्र लेकर उस बालक की रक्षा की। कारण यही था कि भगवान ने भविष्य देख लिया था कि ये बालक आगे चलकर भागवत का आयोजन करेगा, और जो व्यक्ति भागवत का आयोजन करता है, भागवत की सेवा करता है, भागवत का प्रचार करता है, उनकी रक्षा भगवान स्वयं अपने हाथों से करते हैं। ये भागवत सेवा करने वालों को तो भगवान अपनी पलक पर बिठा कर रखते हैं, बहुत बड़ी सेवा करते हैं, भगवान ध्यान रखते हैं। सो आशा करता हूं प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा। सो ऐसी सुंदर भागवत कथा जिससे हम हमारा भी कल्याण कर सकते हैं और जगत के लाखों लोगों का कल्याण। भक्तों, ये एक ऐसा माध्यम है ना, इसमें लाखों का उद्धार होता है। आप भक्ति को छोड़कर, और भक्ति में भी भागवत कथा को छोड़कर और कोई भी आयोजन ले लो, उसमें इतने लोगों को लाभ नहीं मिलेगा जितना अभी मिल रहा है। इसमें झुंड के झुंड, हजारों के हजारों लोगों को लाभ प्राप्त होता है। भागवत में केवल भागवत नहीं है, आप भागवत सुन ही रहे ना, श्रीमद् भागवत में कुछ व्याकरण भी है, संस्कृत भी है, कुछ काव्य भी है, कुछ नीति भी है, कुछ नैतिक शिक्षा है, बहुत सारी बातें श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। आज मैं श्रील प्रभुपाद जी के पवित्र वचन सुन रहा था कि एक बार यदि कोई भागवत पढ़ ले फिर उसे कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। भागवत सुनने वालों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भागवत अल्टीमेट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान है। और श्रील प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं कि भागवत सुनने से भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों मिलते हैं और साथ ही साथ स्वयं भगवान कृष्ण भी प्राप्त हो जाते हैं। यह है भागवत।